सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली आप लोग जो सैमसंग के दो स्मार्टफोन के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ये अब बहुत ही जल्द यहाँ पर लॉन्च होगा। तो मुझे पता है कि आप लोग सैमसंग के A52 और A72 के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली सैमसंग ने यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि ये जो दोनों स्मार्टफोन ये 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का लॉन्च डेट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि सैमसंग इन दोनों स्मार्टफोन को मे बी 17 मार्च को ही इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर ही दे, क्योंकि सैमसंग ए सीरीज के स्मार्टफोन को बस अपने सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्टेड कर देता है और प्राइसिंग रिवील कर देता है, क्योंकि सैमसंग ए सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च इवेंट रख के अभी तक लॉन्च नहीं किया है। मतलब कुछ दिनों के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह सैमसंग का जो A32 आया उसे भी सैमसंग ने सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्टेड कर दिया, तो A52 और A72 भी वैसे ही होगा, सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्टेड कर देगा। तो 17 मार्च को सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है कि ये दो स्मार्टफोन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, सैमसंग का A52 और सैमसंग का A72। अब 5G वेरिएंट आएगा कि 4G वेरिएंट आएगा ये तो हमें 17 मार्च को पता चल जाएगा। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सैमसंग क्या 5G 4G दोनों वेरिएंट्स को लॉन्च करेगा या फिर सिर्फ 4G वेरिएंट्स को यहाँ पर लॉन्च करेगा। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी A52 और सैमसंग गैलेक्सी A72 में आप लोगों को उतना डिफरेंट स्पेस के मामले में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि SoC कैमरा सेटअप जो डिस्प्ले है सभी कुछ आपको सेम मिलेगा। सिर्फ आपको डिस्प्ले के साइज में थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A52 में आप लोगों को मिलेगा 6.5 इंचेस का 1080p डिस्प्ले, 90Hz का आप लोगों को रिफ्रेश रेट मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन भी सैमसंग के A52 में मिलेगा। सेम उसी तरह से सैमसंग गैलेक्सी A72 में भी आप लोगों को 6.7 इंचेस का, यहां पर आप लोगों को 2 इंच ज़्यादा मिलेगा, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, ये भी Full HD+ होगा, यहां पर भी आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो जो 5G वेरिएंट्स आएंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन का A52 और A72 का, वहाँ पर आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, और जो 4G वेरिएंट्स आएंगे यहाँ पर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो ये एक डिफरेंट यहाँ पर स्क्रीन के मामले में निकल के सामने आ जाता है। नो डाउट 5G है तो थोड़ा तो यहाँ पर आपको कुछ फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन जिस टाइप आपको एक नया टेक्नोलॉजी मतलब 90Hz वहाँ पर आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो ये एक बात है। सेकेंड जो चेंज होगा वो होगा प्रोसेसर में, और चेंज अगर मैं बात करूँ 4G वेरिएंट्स की तो सैमसंग का जो A52 4G और A72 4G होगा इनमें आप लोगों को सेम एक ही SoC मिलेगा, यानी कि प्रोसेसर सेम ही रहेगा, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, यहाँ पर भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग के A52 और A72 में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, सेल्फी के लिए आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। हाँ, बैटरी MAH को लेकर थोड़ा यहाँ पर डाउट है, क्योंकि सैमसंग के A72 में आप लोगों को 5000mAh का बैटरी मिलेगा और A52 में आप लोगों को 4500mAh की बैटरी मिलेगा, लेकिन जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में सेम मिलेगा 25W का। तो यहाँ पर थोड़ा सा 500mAh की बैटरी आपको A72 में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जो नॉर्मल कनेक्टिविटी है वो सभी कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, टाइप सी का चार्जर मिलेगा, और इस बार आप लोगों ने कुछ टीजर वगैरह में देखा होगा कि जो A72 और A52 है ये IP67 सर्टिफाइड होंगे, यानी कि वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट यहाँ पर होने की उम्मीद है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है सैमसंग का ए सीरीज। अब प्राइसिंग देखते हैं कि प्राइसिंग क्या रखता है, और 4G वेरिएंट आएंगे कि 5G भी आएगा उसके बाद, ये सब भी डिटेल हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को चैनल में अपडेट देता रहूँगा। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।